हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ राजमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया था राजमा का, और इसको मैंने रात को सोक करके रख दिया था, और ओवरनाइट सोक होने की वजह से ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। और अब मैं इनको बॉयल करूँगी। और तड़का लगाने के लिए मैंने 4 प्याज ली हैं, इसमें लहसुन अदरक को मिला के मैंने पीस लिया, इनका पेस्ट बना लिया, और 4 टमाटर लिए हैं मैंने तड़का लगाने के लिए। और अभी हम लोग राजमा को बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैंने जो राजमा है उनको ट्रांसफ़र कर दिया प्रेशर कुकर में। अब मैं डालूँगी इसमें पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा इसके सरफेस के ऊपर तक ही लेके जाना, क्योंकि काफ़ी फूले हुए हैं, अब ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको चढ़ाएंगे गैस पर। ये मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अभी इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। कुकर का मैं डालूंगी ढक्कन और इसको बंद कर दूंगी, और 4 सीटी आने का वेट करूंगी। अभी हम लोग 4 सीटी आने देंगे। ये देखिए, राजमा हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम लोग इनको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने कुकर गैस पे रख दिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। मैं राजमा मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। इसको मैं गर्म होने दूंगी। ये देखिए, तेल गर्म हो गया, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरे को चटकने दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 लहसुन और अदरक, जिसको मैंने कट्ठे ही पीस लिया था। अभी हम लोग इनको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर इनका चेंज हो गया, और इन्होंने जो ऑयल था उसको रिलीज कर दिया। और अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी टमाटर। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए थे, अब इसको डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं टमाटर और प्याज दोनों को इकट्ठे पकाऊंगी। जब टमाटर और प्याज दोनों फिर से घी रिलीज़ कर देंगे या ऑयल रिलीज़ कर देंगे, तब मैं इसमें नमक मिर्च ऐड करूंगी। अभी इस स्टेज पे नहीं करूंगी मैं। ये देखिए, टमाटर और प्याज जो अच्छे से पक गए हैं, और देखो जो तेल है वो बाहर आ रहा है। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें मसाले। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इनको मिक्स करने के लिए। अभी हम लोग इनको पकने देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, देखो कितना अच्छा कलर हो गया, और इसमें ऑयल भी रिलीज कर दिया। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे राजमा। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी कटा हुआ धनिया। और कुकर को कर देंगे हम बंद, और
एक विसल और आने देंगे हम लोग। ये देखिए राजमा हमारे बन चुके हैं बहुत अच्छे से। इसकी ग्रेवी है जो कितनी थिक बनी है, देखो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है राजमा की। अभी हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे सर्विंग बाउल में। देखिए कितने अच्छे बने हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।